प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, वजह है कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव। जी हां, इन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इंतजार है कि आखिरकार इस बार कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। दरअसल इस वक्त लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाए गए गांधी परिवार के बेहद भरोसेमंद नेता वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी ही तरफ हैं वरिष्ठ नेता शशि थरूर। फिलहाल दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है। 19 अक्टूबर के दिन अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आखिरकार कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ राजस्थान में भी सियासत तेज है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर इस वक्त तमाम नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। दावा ये किया गया हाल ही में अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया, नेताओं ने यहाँ पर बात कही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से राजस्थान के संकट को देखते हुए आगे बढ़ सकती हैं। सचिन पायलट के समर्थन में वह जरूर कोई अपना फैसला सुना सकती हैं, क्योंकि साल 2020 में जिस तरीके से बगावती सुर देखने को मिले थे उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही वहां की समस्या का हल निकाला था। एक बार फिर से कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी आगे आ सकती हैं, क्योंकि वह चाहती हैं कि सचिन पायलट ही सीएम बने। वह लंबे वक्त से ये चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार युवा नेता सचिन पायलट के उस सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव से हटकर प्रियंका गांधी ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हार का सामना किया और अब यूपी के लिए प्रियंका ने एक अहम फैसला ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के शिष्य रहे ब्रजलाल खाबरी को पार्टी की कमान सौंप दी है। जी हाँ, कांग्रेस के इस फैसले के पीछे प्रियंका गांधी की पूरी तरह से छाप नजर आई है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बड़ा दाव खेल दिया है। इसी के साथ साथ 6 क्षेत्रीय प्रमुख भी बना दिए गए हैं, जिनमें अजय राय भूमिहार, योगेश दीक्षित जो ब्राह्मण है, वही नकुल दुबे, नसमुद्दीन सिद्दीकी, वीरेंद्र चौधरी, अनिल यादव भी शामिल है। दरअसल यूपी में कभी दलित ब्राह्मण मुसलमान कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन कांशीराम और मायावती के उभार के बाद अब दलित यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो वापसी करते हुए साथ चल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो यूपी की तस्वीर अब बदलना चाहती है प्रियंका गांधी वाड्रा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में प्रचार से लेकर रणनीति बनाने तक की कमान उन्होंने संभाली और उनकी टीम 35 लोगों की जो टीम रही, दलित वोटों को लेकर पूरा प्लान बनाया गया था। लेकिन इस प्लान में 40 सीटों पर फोकस किया गया, जिसमें दलित 20% से ज्यादा रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा साल 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही हैं और साल 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बेहद अहम फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि ब्रजलाल खाबरी जैसे दलित और रुझारू नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अपने प्लान पर पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ही तरफ राहुल गांधी दक्षिण राज्य में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोर्चा संभाले हुए हैं और प्रियंका गांधी यूपी में जातिगत समीकरणों में पार्टी को स्थापित करने में हार नहीं मान रही है, क्योंकि वह जानती है कि यूपी में कांग्रेस की दमदार वापसी के लिए अब पार्टी के पुराने कोर वोट बैंक को समेटना है, क्योंकि यहाँ चुनाव दलितों का झुकाव बीएसपी से हट रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब कांग्रेस को लगता है कि राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बदले जा रहे हैं। ब्रजलाल खाबरी की तो जालौन की खाबरी गांव के रहने वाले हैं और कांशीराम के भाषणों से वह इतना प्रभावित रहे कि उन्होंने घर बार तक छोड़ दिया। साल 1999 के चुनाव में उन्होंने जालौन लोकसभा का टिकट उन्हें दिया गया था, तो वहीं चुनाव में जीत हासिल की और पहली बार वह सांसद भी बने। और इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बड़ा दाव खेल दिया है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से यहां पर वोट बैंक को समेटने के लिए हुंकार भर रही हैं, आखिरकार यहां पर
उनका ये फैसला कितना काम आता है, फिलहाल इंतजार है कि आखिरकार साल 2023 में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सचिन पायलट देखे जाएंगे या फिर कोई और। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।